संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या फिर तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की जो बूंद होती है वो गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला, ये सब प्राथमिक रंग है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंखों से संबंधित है, आंख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेश्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्राचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती हैं। सिलिकॉन की। पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान। पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रैबिज और हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर है मैडम मैरी क्यूरी। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। सार्क या फिर दक्षेस। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट प्रथम थी लेकिन वो भारत की नहीं थी। भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 से शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता।
सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना, पूना के पास। खड़गवासला, पूना के पास खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में, डबल फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा, जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? बीपी कितना होता है नॉर्मल? 80 से 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए प्रथम एशियाई खेल। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये खानपुर कला सोनीपत जिले में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? टेस्ट मैचों के एक पारी में सभी 10 की 10 विकेट लेने वाला भारतीय अनिल कुंबले है, बॉलर। 483rd क्वेश्चन, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। चीन को भी पीछे कर दिया इस समय। भारत संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की। भारत की स्वतंत्रता के समय
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। क्लेमेंट इटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्थान स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बार्डेन पोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक किस खेल में प्रयुक्त होती है? फुटबॉल में। एक क्वेश्चन और था, पेनल्टी स्ट्रोक यह है पेनल्टी किक फुटबॉल में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? इसका उत्तर है 1961 में शुरू हुए। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? इसका उत्तर है लियोनार्डो द विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? इसका उत्तर है हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य यानी संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका उत्तर है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है? नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर।
आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रांबे मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार यानी फुल फॉर्म क्या होगी? इसका उत्तर है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? इसका उत्तर है माइकल ओ डायर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बंदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमाव भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म की किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया।
सबसे बड़ा जीवित पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजों किरणों से बचाती है? ओजोन। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु। पश्चिम बंगाल के हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। LPG का पूर्ण विस्तार, LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा स्वाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडियार्ड किपलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अभी ज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास जी। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य से का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा।